आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे कच्ची करी की बहुत ही स्वादिष्ट रसीलेदार चटपटी चटनी, जो इसको आम का छुंदा भी बोलते हैं, और ये बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है। इसको पूड़ी के साथ में, पराठे के साथ में, किसी के भी साथ खा सकते हैं। और गर्मी के मौसम में अभी कैरियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आप भी कैरी का छुंदा या कैरी की कच्चे आम की चटनी बनाकर तैयार करें। एक किलो कैरी लिया है, कैरी को अच्छे से धो लिया और कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इसका ऊपर का छिलका हटा देंगे। ऐसी कैरी मोटी मोटी होती है और इनका गूदा भी रसीला होता है, और इनके आम का छुंदा या चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस प्रकार से हमें सभी दोनों कैरियों का छिलका हटा देंगे। कैरी का छिलका हटा दिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसमें कैरी को कद्दूकस करेंगे। इस तरह से कैरी को कद्दूकस करते जाएंगे और आसान तरीके से सारे दोनों कैरियों को कद्दूकस कर लेंगे। कैरी को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब चटनी या कैरी का छुंदा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 850 ग्राम पिसी हुई चीनी या बूरा का, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, 2 से 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और काला नमक, और थोड़ा सा सादा नमक लिया है। 1 कांच का बाउल लिया, इसमें कद्दूकस करी हुई कैरी को डालेंगे। और मैंने यहाँ कैरी का पानी नहीं निकाला है, और 1 चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1.5 से 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और हल्दी पाउडर डालकर कैरी और हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे और कैरी अपना पानी छोड़ देगी। और इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, सादा वाला नमक, और 1 से 1.5 चम्मच काला नमक डालेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। कैरी में अब हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। ये मैंने बूरा लिया है, जो पिसी हुई चीनी भी आप ले सकते हैं, ये 850 ग्राम के लगभग है। अब कैरी के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, एक साथ सारा पाउडर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे। अच्छे से कैरी में मिक्स हो गई है और अपना पानी छोड़ दिया, चाशनी जैसा लग रहा। अब बाकी बचा हुआ भी सारा इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाशनी जैसा लग रहा है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट और मिलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। चीनी अच्छे से घुल के चाशनी जैसा बन गया है। अब इसको एक सफ़ेद कपड़ा ऊपर से या सूती कपड़ा बांध कर 7 से 8 दिन के लिए धूप में रख देंगे, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि हमारी आम की चटनी या छुंदा बनकर तैयार हुआ है नहीं। और 7 से 8 दिन के अंदर अंदर तेज़ धूप हो तो ये फटाफट 4 से 5 दिन के अंदर भी बनकर तैयार हो। 5 से 6 दिन के बाद में देखा तो इसमें देखो पानी बिल्कुल सूख गया, और लंबे लंबे रेसे चाशनी का कितना अच्छा कलर भी आया है। अब इसमें हम थोड़े से इसमें सूखे मसाले, स्पाइसी मसाले डालेंगे।
आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधे से भी छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारी आम की चटपटी चटनी आम का छुंदा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको एक कांच के बाउल में भरकर स्टोर करेंगे और अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।